अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। आज का जो हमारा चैप्टर है, इसमें जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के बिटवीन, ठीक है। तो इन दोनों फोर्सेज को जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पैरेलल फोर्सेज क्या होती हैं। तो पैरेलल फोर्सेज होती हैं कि व्हेन टू और मोर फोर्सेज पुश एंड पुल एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन बट दे डोंट मीट एट द सेम प्लेस, ठीक है। मतलब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेज हो सकती हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल कर सकती हैं, लेकिन क्या है, ये किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मीट नहीं करती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो पहले है लाइक पैरेलल फोर्सेज। लाइक पैरेलल फोर्सेज की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। लाइक पैरेलल फोर्सेज आर द फोर्सेज दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन, ठीक है। लाइक पैरेलल फोर्सेज क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती है, उनकी डायरेक्शन भी क्या होती है, सेम होती है। इसी तरह हमारे पास क्या है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हैं। अनलाइक पैरेलल फोर्सेज आर द फोर्सेज दैट आर पैरेलल बट हैव डायरेक्शन ऑपोजिट, ठीक है, टू ईच अदर। जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेज होती हैं ये भी क्या होती हैं, पैरेलल तो होती हैं लेकिन जो इनकी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, ऑपोजिट होती है। यहाँ पर हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेज जो है वो सेम लाइन ऑफ एक्शन होता है, मतलब इनकी जो है वो एक ही लाइन के अंदर जो है वो फोर्सेज लग रही होती हैं। जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेज होती हैं उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ पर हमारे पास जो लाइक पैरेलल फोर्सेज है, मूवमेंट प्रोड्यूस बाय द पैरेलल फोर्सेज ऑलवेज ज़ीरो। अब इस बात का क्या मतलब है कि किसी, अब ये हमारे पास क्या है, इसके नीचे एग्जाम्पल है, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि हमारे पास जो है वो एक मतलब थैला जिसको बोल लेते हैं, उसके अंदर हमारे पास क्या है, सेब है, ठीक है। इसके अंदर जो सेब जितने भी हैं उन सब की क्या है, मूवमेंट क्या है, ज़ीरो है। मूवमेंट ज़ीरो किस तरह है कि वो सारे क्या है, एक दूसरे के साथ मतलब जुड़े हुए हैं, वो हिल नहीं रहे, ठीक है, उसमें कोई भी मूवमेंट पैदा नहीं हो रही। अब आप सोच रहे होंगे कि मूवमेंट क्या होती है, मूवमेंट होती है टर्निंग इफेक्ट होता है जो कि प्रोड्यूस करता है फोर्स को अराउंड दी पॉइंट के दरमियान, ठीक है। एक हमारे पास पॉइंट है, उसके अराउंड में जो टर्निंग इफेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको मूवमेंट बोलते हैं, जो कि इस जो सेब के थैले के अंदर वो मूवमेंट नहीं है, तो इसलिए हमारे पास जो मूवमेंट है वो क्या है, ज़ीरो है। लेकिन हमारे पास जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेज है उसके अंदर जो है मूवमेंट हमारे पास ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि इसकी एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या किया, एक सेब को जो है वो रस्सी के साथ या किसी डोरी के साथ उसको लटकाया हुआ है, इसको हम लोग जो है इसके अंदर ये गोल गोल जैसे एक टर्निंग इफेक्ट की मूवमेंट होती है वो इसके अंदर पैदा हो रही होती है, ठीक है, उसके अंदर ये पैदा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सारी फोर्सेस क्या हैं, सबका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम है। इस मतलब इसके अंदर जितने भी सेब हैं उनके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सबका क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जो हमारे पास ये एक एप्पल है इसके ऊपर जो मैग्नीट्यूड इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उसकी वैल्यू होगी, वो ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो टू फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं। एक तो इसके ऊपर जो है वो अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है। अपवर्ड जो है वो इसकी टेंशन की फोर्स है और जो डाउनवर्ड है वो क्या है, इसके वेट की वजह से उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है। तो ये थी इन दोनों की जो है वो डायग्राम है। डायग्राम की मदद से जो है इसको समझना बहुत आसान है। तो नेक्स्ट हमारे पास है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, एक सिर्फ एग्जाम में आ जाती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पता नहीं कौन सी फोर्स है जो पेपर में आ गई है। तो रिजल्टेंट फोर्स इज़ अ सिंगल फोर्स दैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज अ कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेज टू बी एडिड। जब हम लोग जो है वो दो या दो से ज़्यादा फोर्सेज को आपस में ऐड करते हैं तो उसकी लास्ट पे जो फोर्स उनको कम्बाइन करती है उसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो हेड टू टेल रूल है। यहाँ पे हम लोगों ने जो है, वैसे तो हम जो है वो दो या दो से ज़्यादा फोर्सेज को ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ दो फोर्सेज को ऐड करना है। एक फोर्स को हम लोगों ने ए का नाम दे दिया, दूसरी फोर्स को हमने कह दिया कि हमारे पास बी है। तो हेड टू टेल रूल हमारे पास ये है कि हमारे पास हम किसी भी एक फोर्स के हेड को दूसरे के टेल के साथ क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो नीचे प्रॉपर एग्जांपल है। हमने क्या किया है कि जो हमारे पास फोर्स ए है उसका जो हेड है उसको हम लोगों ने फोर्स बी की टेल के साथ मिला दिया, कंबाइन कर दिया, ऐड कर दिया। जब इन दोनों फोर्सेज को जो तीसरी फोर्स ऐड करती है उसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ड्रा वेक्टर आर, जो हम लोगों ने वेक्टर ड्रा किया है उसका हमने क्या नाम दिया है, आर, वो हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है। इसी तरह हमारे पास क्या है, हेड ऑफ आर कोइंसाइड विच द हेड ऑफ बी, ठीक है। जो हेड ऑफ हमारे पास आर है वो क्या है, कोइंसाइड है विद द हेड ऑफ बी के, ये क्या है। अब इसमें हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स को हमने अप्लाई करने का ये तरीका होता है कि जो हमारे पास लास्ट फोर्सेस बचती हैं उसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, फोर्स की टेल को रिजल्टेंट फोर्स की टेल के साथ मिलाना होता है, और जो हमारे पास फोर्स की हेड होती है उसको रिजल्टेंट फोर्स की हेड के साथ मिलाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो टेल ऑफ आर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ ए।
यहाँ पर जो हमारे पास टेल ऑफ आर है वो क्या है, कौन साइड है टेल ऑफ ए के, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।